दोस्तों, जावा राइडर कोलकाता में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की जो टूर होने वाली है, ये मेरे घर कोलकाता से पुरी तक की होगी। और ये टूर जो होगी, सोलो ट्रिप होगी मेरा। तो इससे पहले हम उसी रास्ते में, पुरी जाने वाले रास्ते में बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट पड़ेगी, उसी डिस्ट्रिक्ट में जो है दो बहुत ही प्रसिद्ध जगह है एक्सप्लोर करने वाली। पहली जो है इमामी जगन्नाथ टेम्पल है, और दूसरी जो है चांदीपुर बीच है। तो ये दोनों जगह पहले एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद जो है अगर समय मिले तो पुरी आज ही चले जाएंगे, अगर समय नहीं मिलते हैं तो भुवनेश्वर में जा करके हम स्टे करेंगे। तो चलिए अब यहाँ से यात्रा जो है प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों, अभी रेडी हो चुके हैं, अपने घर के सामने अब प्रस्थान कर रहे हैं आगे की ओर। तो चलिए अब यहाँ से निकला जाए। तो बस अब जो है बाली ब्रिज के ऊपर आ चुके हैं, और ठीक मेरे दाहिने साइड आप इस साइड देख सकते हैं, ये दक्षिणेश्वर मंदिर है। जय माँ काली। तो यात्रा जो है अपनी माँ काली का आशीर्वाद लेते हुए आगे की ओर बढ़ चुकी है। और सुबह निकलने की टाइम जो थी मेरी, वो 5-6 बजे के करीब थी, लेकिन लगभग अपने निर्धारित समय से 1-1.25 घंटे के विलंब से जो है हम घर से निकले। और मौसम जो है काफ़ी ठंडा है, तो एक तरफ से अच्छा ही हुआ, नहीं तो सुबह के टाइम में निकलते तो ठंडे की कपड़ा लेना पड़ता, जैकेट वगैरह उसकी आवश्यकता नहीं पड़ी क्योंकि सूर्योदय हो चुका है। तो दोस्तों, धीरे धीरे अपने घर से चलते चलते लगभग 15 से 20 किलोमीटर राइड कर चुके हैं, और अभी जो है धूलागढ़ क्रॉस कर रहे हैं। और मौसम जो है बहुत ही अच्छा है, मतलब सुहावना मौसम है। तो रास्ते में आते आते आप देखिए सामने में जो है कितने बाइकर्स जो हैं कोलाघाट की ओर जा रहे हैं, और आज संडे के दिन है तो आपको इस प्रकार के दृश्य जो है और काफ़ी ज़्यादा आगे मिलेंगे, क्योंकि तो संडे के दिन जो है बाइकर्स का सबसे प्रिय दिन होता है। तो लोग सारे दिन राइड करते हैं, और राइड करने के बाद पुनः जो है अपने घर चले जाते हैं, कितने जो है रूट टूर पे भी निकलते हैं। तो आपको बहुत कुछ ऐसे ऐसे बाइक देखने को मिलेंगे कि संभवतः डेली लाइफ में जो है गाड़ी दिखती नहीं है। आप देख सकते हैं मेरे सामने में ये भी सुपर बाइक ही है जो जा रही है, और नोटिस भी किए हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं आपका जितने भी यंगस्टर हैं एक एक जगह 8-10 करके खड़े हैं सिर्फ बाइक देखने के लिए, और उसकी वीडियो भी बना रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है, सोलो ट्रिप की एक अपनी ही एक मज़ा है। इसमें खुद आप जो है राइड के टाइम में जो है अपने आप को टाइम देते हैं, और अपने से बात करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इसका भी एक्सपीरियंस जो है काफ़ी अच्छा है। आप देख रहे हैं एक हाइनेस वाले राइडर हैं, उनको हम काफ़ी देर से देख रहे हैं, काफ़ी जो है गाड़ी को एकदम लीन हो करके चला रहे हैं, आप देख रहे होंगे आगे। तो प्रत्येक लोगों की एक अपनी स्टैंडर्ड है चलाने की, गाड़ी चलाने की। और रास्ते जितने कोलकाता से दूरी बनती जा रही है उतने रास्ते जो है क्लियर भी मिल रहे हैं। अब आप देख सकते हैं ट्रैफिक लेस रास्ते अब मिलना प्रारंभ हो गई है, और 100 के ऊपर आराम से आप चलते रहिए, 100 पे क्रूज करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए मेरे सामने में ये दो बाइक जो लगी हुई है, राइडर के ग्रुप है, ये लोग भी राइड पे निकले हैं, और सामने में भी दो गाड़ी है, 4 गाड़ी है। तो संडे का दिन जो है राइडर, अगर बोला जाए तो राइडर के लिए ही रास्ते होते हैं। अब देखिए मूव कैसे करेगी गाड़ी,
काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब पूरी जाते जाते ये दृश्य भी मिलेगी ये सोचे नहीं थे। तो अब रास्ते जो है क्लीन मिलना जो है प्रारंभ हो चुके हैं, और ये सामने बुलेट वाले भैया ये भी काफ़ी देर से जो है मेरे आगे पीछे चल रहे हैं। मज़ा जो है काफ़ी आ रहा है गाड़ी चलाते चलाते। चलिए अब हम भी थोड़ी गाड़ी को एक्सेलरेट करें, रास्ते क्लियर मिल रहे हैं अब। इतना बार इस रास्ते से जाता हूँ ये पिलर जो है इतना अच्छा लगता है, क्या बताएं, मतलब देख करके फैक्ट्री, ये किसी चीज़ की फैक्ट्री है तो इतनी सुंदर दिखती है कि मतलब लग रहा है कि कोई मतलब फॉरेन की अगर फैक्ट्री अगर बोले जाए तो उस टाइप की लग रही है। आप देखिए कितना सुंदर दिख रहा है ये वाला, और मज़ा तो भैया इतना आ रहा है अकेले चलाने में, क्या बताएं आपको। वाह, सुबह सुबह ये क्या हुआ, मजा न क्यों अब मैं हवाओं में चल रहा हूँ, है ना। अभी तो एकदम हवा में ही चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हवा हवा जो है अपने गोद में लेकर के हमको हिला रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब देखिए ट्रक को, यही जो है बीच बीच में ये ट्रक वाले सब जो है ना इधर से उधर जो करते हैं ना वही बहुत खतरनाक होती है। अगर आपकी गाड़ी की अगर ब्रेकिंग जो है अगर अच्छी नहीं रही तो क्या है ना कि आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। और ब्रेक अगर अच्छी है, ABS ब्रेक, तो अगर आप अभी कोई गाड़ी अगर खरीदते हैं तो ABS छोड़ करके तो बाइक खरीदिए ही नहीं। तो दोस्तों धीरे धीरे चलते चलते जो है इस रास्ते की सबसे फेमस जगह अगर देखा जाते हैं, पूरी जाते हैं या खड़गपुर की तरफ जाते हैं तो सबसे प्रसिद्ध जगह अगर बोला जाए सेल्फी पॉइंट हो या फोटो खिंचवाने की जगह, हम लोगों की प्यारी कोलाघाट। तो बस अब कोलाघाट ब्रिज जो है प्रवेश कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कोलाघाट ब्रिज कुछ इस प्रकार लग रही है। अभी लगभग 8:30 बज रहे हैं, तो 8:30 बजे के करीब में जो है ऐसे दिख रही है। और ब्रिज पे अभी तो कोई रेलगाड़ी नहीं है, बाइकर लोग यहाँ पे खड़े हैं, हमें तो रुकना नहीं है, सीधे निकलना है। तो बाइकर लोगों की प्रिय स्थल अगर बोला जाए राइड करने का तो यहाँ तक आने का तो जगह जो है यही है इस रूट में, यहाँ तक आ करके फिर अपना सब अपने अपने घर जो है, कुछ लोग जो है यहाँ से भी आगे जाते हैं। तो कोलाघाट ब्रिज जो है अब समाप्त होती है, ये हो गई कोलाघाट दाहिने तरफ जो है अपनी प्यारी भारत की फ्लैग, और उसके उधर शेरे पंजाब होटल। और हमको तो दीघा जाना नहीं है, जा तो रहे पूरी, तो अब हम सीधे यहाँ से सीधे जाएंगे, सीधे जो है खड़गपुर। और आप मेरा पीछे का अगर वीडियो देखे होंगे तो उसमें आपको पता ही होगा कि बाईं ओर जो है दीघा और मंदारमनी ताजपुर चली जाती है, ये रास्ते जो है बाईं ओर दीघा की तरफ चली जाती है। और ये वर्तमान पेपर की ऑफिस देख लीजिए आप, ये वाली जो है वर्तमान पेपर की ऑफिस एक कोलकाता में भी है। तो दोस्तों जितनी बार इस रूट में आता हूँ और ठीक खड़गपुर के नज़दीक पहुँचने टाइम में जो है ये वाला जो स्ट्रेच जो है
इतना अच्छा लगता है, क्या बताएं आप। तो यहाँ जो है आप इस साइड में देख सकते हैं कि धान की खेती वगैरह जो है हो रही है, और ये वाली स्ट्रीट जो आप देख सकते हैं कितनी हरी भरी है, बहुत मतलब यहाँ पे जितने बार आते हैं तो ये जगह एकदम मन को सुशोभित कर देता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और खड़गपुर के जो है काफ़ी निकट है, लगभग आप 5 से 6 किलोमीटर खड़गपुर होगी यहाँ से, तो लगभग खड़गपुर की टाइमिंग जो है आने की वही 1 घंटा 40 मिनट के आसपास लगी। तो रास्ते आप जितना इधर में तो रास्ते में ट्रैफिक है ही नहीं। आप देखिए यहाँ पे कौन सी गाछ है, इतनी सुंदर लग रही है ये वाली स्ट्रीट। पूरे उधर में बगान है, यहाँ पे ये बीच में कैनल टाइप की बनाई गई है, और ये फूल की गाछ देखिए इतनी सुंदर लग रही है। ये सिर्फ होली के टाइम में ही ये फूल की गाछ जो है देखने को मिलती है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी तक मौसम जो है कूल ही है, गर्मी की आभास अभी तक नहीं हुई है। और ये रही खड़गपुर, बाएं खड़गपुर सीधे बालेश्वर, और हमें तो सीधे बालेश्वर ही जाना है। अब कुछ दूर चलेंगे तो पीछ वाली रास्ते जो है ये समाप्त हो जाएगी, और ढलाई वाले रास्ते जो है ये प्रारंभ हो जाएगी। फिर सीधे एकदम बालेश्वर, पूरी, भुवनेश्वर, कटक, यही रास्ते सीधे जाएगी। तो खड़गपुर से निकलने के बाद जो है रास्ते के दृश्य जो है कुछ इस प्रकार की है। आप देखिए गाड़ी आपको दिखेगी नहीं, दूर दूर में गाड़ी जो है दिखेगी। तो दोस्तों पूरी जाते जाते बालेश्वर से पहले जो है अभी भूख लग चुकी थी, तो एक आप मेरे पीछे में एक शॉप देख रहे होंगे, इसी शॉप के ऊपर जो है हम एक डिम टोस्ट का ऑर्डर किए हैं, यहाँ पे रुक गए हैं। और यहाँ का प्राकृतिक दृश्य इतनी अच्छी है इसलिए हम यहाँ पे गाड़ी रोके। आप देख सकते हैं मेरे पीछे में, देख सकते हैं कितनी हरी भरी जो है ये धान की जितने भी फसल आप देख रहे हैं सारे के सारे धान हैं। और इस साइड जो NH है ये आपको सारे कुछ दिख रहे हैं। और अभी जो है पौलास फूल की समय है, तो जितने भी वृक्ष आप देख रहे हैं सफ़ेद पौलास फूल जो है खिले हुए हैं। और हम जो है ठीक इसी तरफ से आए हैं, इस साइड में कोलकाता है, और इस तरफ में जो है यही रास्ते सीधे बालेश्वर से पूरी की ओर चली जाती है। और रही ये अपनी बाइक, जब आप आउटिंग में निकलते हैं तो इसका यही मज़ा होता है कि एकदम जितने भी विलेज एरिया है, इंटीरियर टाइप के एरिया है, इस सारे एरिया में जो है आप अपना गाड़ी रोक करके आप अपना भोजन ग्रहण करते हैं, और फैमिली के साथ जो है एक शांति में दिन काटते हैं और फिर आगे की ओर बढ़ जाते हैं। तो जो हम डिम टोस्ट ऑर्डर किए थे वो आप मेरे हाथ में देखें, यहाँ पे ये डिम टोस्ट आ चुके हैं, और ये गाड़ी रही। और ये मेरे पीछे में दो सज्जन व्यक्ति को देख रहे हैं, ये लोग आरामबाग से जो है बागदा बीच जा रहे हैं। ये मेरे चैनल का नाम भी ये दादा पूछे, इनको हम बता दिए हैं। तो चलिए अब खाना प्रारंभ करते हैं। और यहाँ के दृश्य इतनी मनोरम है कि मज़ा आ गया, मतलब इतना आइसोलेट प्लेस में एक ही दुकान है यहाँ पे, मिलने के बाद जो है आप आराम से प्रकृति के गोद में बैठ करके जब इस प्रकार के खाना खाते हैं, और दूर दूरांत से जो है आपके पीछे एक मीठी सी हवा आ करके जब छूती है तो जो वो आभास जो आपको देगा वो कहीं और नहीं मिलने वाला है। इसलिए राइड जो है ये करके ये सब चीज़ जब आपको मिलते हैं ना तो मन में एक अलग प्रकार की खुशी मिलती है। ये कभी आपको ट्रेन की यात्रा, बस की यात्रा और प्राइवेट कार में नहीं मिलेगी, जो बाइक राइड में मिलती है। तो चलिए हम खाते हैं फिर यहाँ से निकलते हैं। तो दोस्तों ब्रेकफास्ट करके जो है डिम टोस्ट अब बालासोर की ओर निकल चुके हैं। अब धीरे धीरे तापमान जो है बढ़ रही है, अभी भी 100 किलोमीटर जो है यहाँ से बालेश्वर है, तो अब उतनी थोड़ी एनर्जी मिल चुकी है अब शरीर में टिफिन करके, तो फिर अब जो है पूरी ताकत से फिर बाइक चलाएंगे। और आशा करते हैं अपने निर्धारित समय के अनुसार पहुंच जाएंगे। अब भगवान से प्रार्थना है कि आगे तक पूरे बालेश्वर के पूरी तक इसी प्रकार के रास्ते मिले क्लीन।
ताकि बाइक को राइड करके चला करके काफ़ी आनंद आए। और इधर के दृश्य देख रहे हैं, जैसे जैसे उड़ीसा के डीप भीतर प्रवेश करते जा रहे हैं वैसे वैसे गर्मी भी बढ़ती जा रही है। तो आप रास्ते का मजा लीजिए, आगे हम अपनी राइड पे ध्यान दें। रास्ते के दोनों तरफ प्रकृति की सुंदरता देखिए, पेड़ पौधे, सिर्फ और सिर्फ ट्रक आपको दिखाई देगी एक दो। और अभी बेलदा से लग रहा है कि निकल चुके हैं, और बालेश्वर जो है मे भी यहाँ से 60 किलोमीटर हो। गाड़ी जो है रॉकेट की तरह कपड़ी छावा जो है भाग रही है। तो अभी बालेश्वर से लगभग 30 किलोमीटर दूर, और आप ऊपर में सामने बोर्ड देख रहे हैं, पारादीप 240, भुवनेश्वर 224 और चेन्नई भी है 1492। तो काफ़ी नज़दीक आते हुए बालेश्वर के, अभी बस्ता में प्रवेश कर रहे हैं बस्ता। तो अभी इमामी जगन्नाथ मंदिर बालेश्वर जाते समय ये मंदिर दिख गया, आप देखिए ये भी मंदिर कितनी भव्य लग रही है। अब जो है डिस्टेंस जो है 8 किलोमीटर और रह गया है, और आगे जा कर के राइट जाना पड़ेगा। तो आ ही चुके हैं, लगभग 12 बजे तक वहाँ पहुँचेंगे। तो अपनी समय जो है ऑन द राइट टाइम ही है, ज़्यादा देरी नहीं हुआ है। अब मात्र 3 किलोमीटर ही बची है इमामी टेंपल जगन्नाथ जी का जो है बालेश्वर में। अब 3 किलोमीटर है और गर्मी जो है बहुत ज़्यादा है, ड्राई वेदर है यहाँ की। और छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे जंगल और फैक्ट्री की चिमनी से धुआं निकलती हुई देखिए कितनी सुंदर लग रही है। तो ये रास्ता बड़ी खूबसूरत है, आपको हाईवे से जब इस रास्ते में प्रवेश करेंगे तो आपको एक बहुत ही बिजिएस्ट मार्केट मिलेगी, और उसके बाद जो है आप कुछ इस प्रकार के दृश्य देखेंगे। तो इमामी टेंपल के नज़दीक मात्र अब 1 किलोमीटर ही रह गई है, एकदम आ ही चुके हैं। चलिए वहीं पे आपसे फिर बात करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं अभी हम उपस्थित हो चुके हैं इमामी जगन्नाथ टेंपल मंदिर के समक्ष, और अब ये सामने जो देख रहे हैं ये मंदिर का मुख्य द्वार है। द्वार के दोनों तरफ दो सिंह बैठे हुए हैं, इसको सिंह द्वार भी बोला जाता है। ठीक मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करते ही आप एक ओम लिखा हुआ पाएंगे, देखेंगे ओम के ठीक सामने में एक स्तंभ मिलेगी। इस स्तंभ को जो है अरुणा स्तंभ बोला जाता है। अरुणा स्तंभ की उस ओर जो है भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर है। तो मंदिर जो है काफ़ी भव्य लग रही है यहाँ से देखने में, और मंदिर में प्रवेश करने के टाइम में आपको 22 सीढ़ियाँ जो है ऊपर तक जाने के लिए चढ़नी पड़ेगी। मंदिर के भीतर फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, इस कारण से हम आपको मंदिर के भीतर की जो है जो भगवान की जो प्रतिमा है उसको दिखा नहीं सकते हैं। मंदिर के चारों तरफ जो है कई भगवान के मंदिर है, यहाँ पे भगवान शिव हुए, भगवान गणेश, उसके बाद संकट मोचन हनुमान जी हुए, माँ लक्ष्मी हुई, माँ बिमला देवी हुई। इस प्रांगण में जैसे ही आप प्रवेश करेंगे प्रांगण के ठीक लेफ्ट साइड में बाईं ओर आपको ये पार्क दिखेगा। जैसे ही आप गेट से ठीक ढूंढते हैं ये पार्क आपको मिलेगा, जो कि बहुत ही सुसज्जित है और हरी भरी है। और मंदिर
की जो नक्काशी की गई है वो इतनी सुंदर है जो आपके मन को जो है पूर्णतः मोह लेगा। मतलब आप जब यहाँ आएंगे तो लगभग एक दो घंटा आपको जाने की इच्छा नहीं होगी, इतनी सुंदर मतलब यहाँ पे जो है नक्काशी की गई है दीवालों के ऊपर, आप देख सकते हैं कितनी सुंदर की गई है। मंदिर के दोनों तरफ जो है दो छोटी छोटी मंदिर हैं और पूर्णतः चारों ओर चार या पांच मंदिर हैं। मंदिर को जब आप बगल से देखेंगे जगन्नाथ जी के मंदिर को तो आपको लगेगा कि यह जो है जगन्नाथ जी के मंदिर जो है पूर्णतः कोई रथ के ऊपर बनाया गया है और काफ़ी ही भव्य लगता है। मतलब इतना सुंदर लगेगा, आप अगर सौ परिवार आते हैं तो आप यहाँ आ करके बहुत मतलब खुश महसूस करेंगे और भगवान का आशीर्वाद लेकर के तो और आपका मन जो है प्रफुल्लित हो जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा। विशेषकर परिवार के साथ यहाँ पे आइए, आने के बाद सभी भगवानों को पूजा कीजिए, आत्मा की शांति मिलेगी और आपका मनोकामना जो है भगवान जरूर पूरा करेंगे। तो अब आप जो हैं माँ लक्ष्मी एवं भगवान संकट मोचन महावीर जी हनुमान जी का दर्शन कीजिए, अब आपसे मिलते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, इमामी मंदिर घूमने के बाद जो है अब नारियल पानी का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी इतना है कि पूछिए नहीं। तो चलिए अब यहाँ से नारियल पानी पियेंगे और एक दादा को दिए हुए हैं सब बैग वैग रखने के लिए, उनको पेमेंट करके उसके बाद यहाँ से जो है हम लोग निकलेंगे।